अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, इर्द गिर्द देखें, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी सेलिब्रिटीज, बहुत से पब्लिक फिगर्स ऐसे होते हैं, लोग उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ किस तरह से गुजरी हुई है, क्या स्ट्रगल्स रही हुई हैं, और अब जो उनको मकाम मिला वो किस तरह से मिला। फिर ऑब्वियसली इस तरह के लोगों पर, इस तरह के पब्लिक फिगर्स पर, सेलिब्रिटीज पर मूवीज़ बनाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, बायोपिक्स बनाई जाती हैं। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, लोग उनकी लाइफ को भी जानने के बारे में कीन रहते हैं, और उनकी ज़िंदगी पर 2-3 मूवीज़ भी बन रही हैं। बट इसमें से आजकल जो एक डॉक्यूमेंट्री जो तकमील के आखिरी मराहल में है, वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो पाकिस्तान के नामवर सिंगर जो है सलमान अहमद, वो बना रहे हैं, जिनका ताल्लुक एज़ वी ऑल नो जुनून ग्रुप से है। डॉक्यूमेंट्री का जो नाम है वो है रूहानी जमहूरियत। इसमें इमरान खान साहब की जो 50 ईयर्स की लाइफ है उसको एक्सप्लेन करने की, उसको बताने की कोशिश की है। बिकॉज सलमान का खुद ये कहना है कि उनका इमरान खान से ताल्लुक जो है वो 35 साल पुराना है, और बहुत सी वीडियोस, बहुत सी पिक्चर्स इमरान खान की सलमान अहमद के पास हैं। सो इस डॉक्यूमेंट्री में वो इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, इन वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे। फिर साथ ही साथ एक इस मूवी की बात यह है, इस डॉक्यूमेंट्री की बात यह है कि ये 4 हिस्सों पर इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला हिस्सा है वो इमरान खान का जो माजी है, लॉन्ग अगो, जब वो प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर थे, और उन्होंने एक बड़ी डैशिंग सी उनकी पर्सनालिटी थी, और इसी तरह से उनका लाइफस्टाइल था, क्रिकेट का जुनून उनके सर पर सवार था, और इस तरह से जो तब की उनकी लाइफ थी, यानी उसके हवाले से बताया गया है, जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, और उससे पहले की लाइफ। फिर उसका जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है इस डॉक्यूमेंट्री का, उसमें वज़ीर आज़म बने के बाद जो उनको अपने नेबरहुड भारत से जिस तरह के मामलात का सामना करना पड़ा, और जिस तरह के ताल्लुकात रहे, सो बेसिकली वो जो चैप्टर है वो इस चीज़ को कवर करेगा। फिर तीसरे अगर हम चैप्टर को देखें तो वो ये होगा, तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से कोविड का सामना है, पैंडेमिक पूरी दुनिया में है, सो इस हवाले से इमरान खान साहब के क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से उन्होंने इन चैलेंजेस से नबुद आजमा होने की कोशिश की, तो वो बताया गया है। और जो फाइनल पार्ट है उसमें पाकिस्तान की जो शनाख्त है उसको तलाश करने की कोशिश की जाएगी, और मुस्तकबिल के क्या प्रोजेक्ट्स होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, पाकिस्तान को लेकर उनका क्या विजन है, ये बताने की कोशिश की गई है। सो एवरीबडी इज एक्साइटेड कि ये डॉक्यूमेंट्री कैसी होगी, और ऑब्वियसली अगर ये डॉक्यूमेंट्री अच्छे अंदाज में बने, अच्छे लेवल पर बने, तो ऑब्वियसली बहुत से इसको व्यूअर्स मिलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग तो बहुत है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस उनका खिताब देखें तो इस साल भी वो सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले लीडर्स में सबसे टॉप पर रहे, सेकेंड नंबर पर नरेंद्र मोदी रहे, और थर्ड नंबर पर अमरीकी सदर जो बाइडन रहे। सो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनली लोग उनको पसंद करते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सो लोग एक्साइटेड हैं, बट द थिंग इज़ कि ये आती किस लेवल पर है, किस अंदाज में बनाई जाती है, पिक्चराइजेशन कैसी होती है, ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से क्वेश्चन ये रेज होता है कि लोग इसको देख कैसे सकेंगे। सो इसके लिए सलमान अहमद का ये कहना है कि किस प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज़ किया जाएगा, इस हवाले से डिस्कशंस और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। बट द थिंग इज़ कि जो डॉक्यूमेंट्री है ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में है, और उसके बाद सलमान अहमद इसका इरादा रखते हैं कि इसको मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसके ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें इस डॉक्यूमेंट्री की, तो इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो जुनून ग्रुप ही, उन्होंने ही इसको तश्कील दिया है। सो लेट्स सी कि ये डॉक्यूमेंट्री कैसी होगी। जब मैंने इसका टीज़र देखा, मैंने इसका प्रोमो देखा, तो उसमें तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, बट अब ये हमारे सामने आएगी तो फिर ही पता लगेगा। बट द थिंग इज़ कि जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा एंशियसली और डेस्परेटली इस डॉक्यूमेंट्री का वेट कर रहे हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है, अच्छी एंटरटेनमेंट होती है या एवरेज सा ही होता है, बट आई होप कि अच्छा ही होगा।